सबसे ज़्यादा कमेंट्स महिलाओं के ये होते हैं कि सर मेरा 5 माह से पीरियड नहीं आया, कोई बोलता है मेरा 2 माह से पीरियड नहीं आया, कोई 6 माह से, कोई 8 माह से, कोई एक एक साल तक की ऐसे कमेंट्स देखे गए हैं मैंने कि एक एक साल तक की महिलाओं के पीरियड नहीं आया है। तो इस कंडीशन में महिलाओं को डॉक्टर को ज़रूर दिखाने चाहिए, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाने चाहिए कि उस किस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है, कि हमें इस कारण से किस तरह से निजात मिल सकती है। तो इस कंडीशन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम होने हो सकती है, इस कंडीशन में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। महिलाओं की यूट्रस में प्रत्येक माह एक परत जमा हो जाती है, जिसे हम इंडोमेट्रियल बोलते हैं। ये परत किसी कंडीशन में झड़ती नहीं है, उसका रिसाव नहीं होता है, तो उस कंडीशन में या तो पीरियड किसी कारण से मिस हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण मिस हो जाता है, या फिर उसकी है ना जो गर्भधारण की प्रक्रिया बढ़ती रहती है धीरे धीरे और 9 माह तक वो चलती है। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि 23 दिन से 35 दिन के अंदर आपका एमसी सही समय पर आ रहा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि इस कंडीशन में आपका पीरियड 35 दिन से लेट आ रहा है, या फिर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, या 6 महीने में, एक एक साल तक नहीं आ रहा है, तो आपको चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। ये किस कारण से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उन कारणों के बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपसे। यदि आपको PCOS की प्रॉब्लम है, यानी कि पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में आपको जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण आपको पीरियड मिस हो जाता है। तो उस कंडीशन में तो आपको यदि 2-2, 3-3, 6-6 महीने आपका पीरियड नहीं आता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। यदि आपको डायबिटिक प्रॉब्लम है, आपकी जो डायबिटिक की प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपकी जो शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो पीरियड मिस हो सकता है, आपका पीरियड बहुत ज़्यादा लेट हो सकते हैं। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड के कारण आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस होते हैं, जिसके कारण आपकी जो इम्बेलेंस होने के कारण जो आपका पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट आता है, या 2-2, 3-3, 4-4 महीने नहीं आता, जिसके कारण महिलाएँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको थायराइड की जांच कराने चाहिए, जिससे पता चल सके कि आपको पीरियड मिस क्यों हो रहा है। यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, आपका एज भी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो उस कारण के वजह से भी आपका एमसी मिस हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, नींद पूरी नहीं लेती हैं, तो उस कारण से भी आपको जो एमसी है ना बहुत ज़्यादा लेट हो सकते हैं, एमसी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं और आपके लिए एमसी बहुत ज़्यादा लेट आ सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलती हैं, गेम में बहुत ज़्यादा रुचि रखती हैं, या जिम ज्वाइन कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप बहुत ज़्यादा जिम करती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो पीरियड बहुत ज़्यादा मिस हो सकते हैं, बहुत लेट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यदि आपको लगता है कि मेरा पीरियड हर महीने ऐसे ही मिस होता है, या फिर 2-2, 3-3, 4-4, 6 महीने नहीं आता, एक एक साल नहीं आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इन कारणों की वजह से आपको पीरियड मिस हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सारे टेस्ट कराना चाहिए। यदि आपको डॉक्टर सोनोग्राफी का बोलता है तो सोनोग्राफी करवाना चाहिए, थायराइड की जाँच का बोलता है तो थायराइड करवाना चाहिए, कोई हार्मोन्स इम्बेलेंस हो रहा है उसके कारण कोई टेस्ट का बोलता है तो वो सारे टेस्ट आपको कराना चाहिए, तो ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं। और इस प्रॉब्लम को यदि आपका 35 दिन से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा आपको पीरियड मिस हो जाता है, तो आपको उसको गंभीरता से लेना चाहिए और आप किसी भी की बातों में नहीं आना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।